नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे परीक्षा स्पेशल स्टैटिक जीके में वीडियो नंबर 12 करने वाले हैं और ये 12वां वीडियो टॉपिक की बात करें, आज हम करेंगे भारत की प्रमुख झीलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक की बात करें, ये जियोग्राफी का टॉपिक है लेकिन स्टैटिक जीके में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो अगर जो हम स्टैटिक जीके में ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो जियोग्राफी में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टैटिक जीके में आती हैं और जियोग्राफी में भी आती हैं। तो आज का टॉपिक मैं फिर से बोलता हूँ, भारत की प्रमुख झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आगे बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। देखो स्टैटिक जीके का मैंने पूरा पीडीएफ बना दिया था 46 टॉपिक का और बार बार बोल रहा हूँ, जितने लोगों ने नहीं लिया जाके ले लो। देखो इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, इसलिए आपको वीडियो देखना है, होमवर्क में पीडीएफ से उसी को पढ़ना है। वीडियो देखने के बाद आप पढ़ोगे, तेजी से आपकी पढ़ाई भी होगी, अच्छे से कर लोगे। बाकी 46 टॉपिक है, आप और भी एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था आपको पहले भी 3-4 क्लासेस इस टाइम डेली मिलने वाली है, तो आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा, टेलीग्राम में बहुत सारे आपके वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जाते, तो टेलीग्राम में आपको रेगुलर यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। टेलीग्राम यहाँ पे आप टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा एग्जाम गुरु सुधीर, इसको आप सर्च करने के बाद आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ और जो भी वीडियोज होंगे आपको यहाँ टेलीग्राम पर भी मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे, और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इस पे फॉलो करने के बाद आप हमें कुछ भी पूछ सकते हैं मैसेज करके, तो मैं आपका रिप्लाई जरूर देगा। एक और बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, अनअकैडमी कंडक्ट करवा रहा है आपके लिए असाइनमेंट चैलेंज बाई अभिनय सर, जिसमें आप अलजेब्रा यानी कि बात करें एडवांस मैथ का अलजेब्रा का रिविजन कर सकते हो। और यहाँ पे 27 तारीख को एक मॉक टेस्ट होगा, इसी अलजेब्रा टॉपिक का आप देख सकते हो। लेकिन टेस्ट देने से पहले जाहिर सी बात है आपको रिविजन पड़ेगा, तो आप यहां पे वीडियोस देख सकते हो, अलजेब्रा रिवीजन फॉर एसएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। आपको इसके लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा, सबसे पहले एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके एनरोल करिए। आप पहले वीडियोस देखिए यानी कि पहले पढ़ाई करिए, उसके बाद आपको 27 अक्टूबर को टेस्ट दीजिए। तो चलिए यहां पे शुरू करते हैं सेशन को। ये वाली पीडीएफ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहां पे सबसे पहले हम बात करें, हमने बोला था टॉपिक ही है भारत की प्रमुख झीलें, तो झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के सबसे ऊपर आते हैं, तो अब तो यहां पे बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर दो भागों में बट चुका है। एक तो आपको पता है लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, जिसका एक प्रमुख झील है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील की बात करें, आपको पता होना चाहिए, थ्री इडियट मूवी जिन लोगों ने देखी होगी उनको पता होगा, यहाँ पे थ्री इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी। पेंगोंग झील बहुत खूबसूरत है, लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। और बात करें आपके पेंगोंग, ये आपने जब आपका ये हुआ था चाइना और भारत का, ठीक है, तब आपने सुना होगा बहुत सारा नाम, ये पेंगोंग से लेक, ठीक है, पेंगोंग से लेक, ठीक है। तो इसका ये भी झील आपका लद्दाख में ही है, ठीक है। और ये पेंगोंग छो की बात करें, ये आपका लद्दाख में है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बोला जम्मू एंड कश्मीर के देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ट्रिक बताना चाहूँगा, जब भी आपसे जम्मू कश्मीर राज्य के झीलों के बारे में पूछे तो आपके सामने जब भी नाग आए, नाग जब भी आपके झीलों के बाद लगा रहे तो ध्यान रखिएगा वो 100% आपका जम्मू एंड कश्मीर के झील है। जैसे हम बात कर लेते हैं अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कौशलनाग झील, नागगन झील, और यहाँ पे बात करें मानसबल, ये तो अलग है, ठीक है। तो नाग वाले जब भी आपके सामने आए तो ध्यान रखिएगा जितने नाम में नाग लगा रहेगा वो आपका क्या है, वो जम्मू कश्मीर के कहीं ना कहीं झील है। और कौन कौन सी झीलें हैं, हम वुलर झील देख लेते हैं, ये भी जम्मू कश्मीर का झील है, कश्मीर में पड़ता है। डल झील जम्मू कश्मीर के, गाडसर झील, सी मोमोरी झील, गंगाबल झील और मानसबल झील, ये सारे झीलें आपके जम्मू कश्मीर राज्य के हैं। अभी हम झीलों को देख लेते हैं अलग अलग स्टेट में कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद झीलों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देख लेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झीलें हैं, सबसे पहले ट्रिक याद रखना, जिन झीलों के पीछे नाग लग जाए वो जम्मू कश्मीर के झील है। तो वुलर झील, डल झील, गौडसर झील, अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कौशलनाग झील, नागगन झील, पेंगोंग छो, ये आपका लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है।
और पैंगोंग लेक भी लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। सीमोरोरी झील, गंगाबल और मानसबल, ये सारे आपके जम्मू कश्मीर राज्य के झील हो गए। आगे चलें, हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आपको दो याद रखना है, तो सूरज ताल और चंद्रताल, ये तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे एक ट्रिक बनाएंगे उत्तराखंड के झील के लिए, जिसके पीछे ताल आए वो उत्तराखंड के झील है 90%, क्योंकि दो झील आप यहाँ पे याद रख लेना, सूरज ताल और चंद्रताल, यानी कि सूरज और चंद्रमा, सूरज और चंद्रमा के पीछे का जो ताल आता है तो आपका वो हिमाचल प्रदेश के झील है। और क्या, भृगु झील, रेणुका झील और मच्छ छयाल झील, ये आपके हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। फिर से देखते हैं, भृगु झील, मच्छयाल झील, रेणुका झील और सूरज और चंद्रमा के पीछे ताल, यानी कि सूरज ताल और चंद्र ताल, ये सारी कहाँ की झीलें हैं, हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। एयरफोन लगा के देखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। आगे चलें, अब उत्तराखंड के झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना, मैंने बोला जिनके नाम के पीछे नाक आए वो स्पेशली जम्मू कश्मीर के झील होते हैं, लेकिन अगर जो ताल आए तो वो 90% आपके कहाँ के होते हैं, उत्तराखंड के झील होते हैं। लेकिन दो झील छोड़ देना जो अपवाद है, एक तो सूरज एक तो चंद्रमा, यानी कि सूरज ताल और एक चंद्रताल झील, ये आपके हिमाचल प्रदेश के झील है। तो चलिए देखते हैं हमने क्या बोला ट्रिक, ताल आए तो उत्तराखंड के झील, तो नैनीताल झील उत्तराखंड, डोडीताल झील उत्तराखंड, भीमताल झील उत्तराखंड, सातताल झील उत्तराखंड, नौकुछताल झील उत्तराखंड, देवताल झील उत्तराखंड, खुरपाताल झील उत्तराखंड, राकसताल झील उत्तराखंड और मालाताल झील, ये सारे ताल आ रहे हैं लास्ट में, तो ये कहाँ के झील हो गए, उत्तराखंड के झील हो गए। ये उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट झील हमने देख लिए। अब राजस्थान के जो भी झील हैं, अधिकतर सारे लगभग खारे पानी की झील हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। सांभर झील पूछा जाता है, बहुत खारे पानी की झील है। जैसमंद झील, ध्यान रखिएगा, जैसमंद झील राजस्थान, राजसमंद झील राजस्थान, नक्की झील राजस्थान, फतेह सागर झील ये भी राजस्थान में है, लुनकसर झील राजस्थान में है, डिडवाना, गपछौला, आना सागर झील, कुचामन झील, ढेवर और पुष्कर, ये सारे झील आपके राजस्थान के हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो फिर से देखते हैं एक बार, तेजी से रिवीजन करते हैं और स्क्रीनशॉट लेते रहिए या नोट्स बनाते रहिए। तो फिर से यहाँ पे राजस्थान झील कहाँ पे, राजस्थान में, जैसमंद झील राजस्थान में, नक्की झील राजस्थान में, सांभर झील राजस्थान में, फतेह सागर झील कहाँ पे है, राजस्थान में, लोनकसर झील राजस्थान में, डिडवाना झील राजस्थान में, गपछौला झील ये भी राजस्थान में, आना सागर झील राजस्थान में, कुचामन झील ये भी राजस्थान में, ढेवर और पुष्कर झील ये आपके सारे राजस्थान के झील हो गए, ठीक है। आगे चलें, अगर जो हम बात करें चंडीगढ़ में एक ही आपका इंपॉर्टेंट है, सुखना झील बहुत ही खूबसूरत है, अगर जो आप चंडीगढ़ जाना तो ये झील आप जरूर घूम के आना, ठीक है। चंडीगढ़ के पास है सुखना झील, बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे पास में ही रॉक गार्डन पड़ता है, रॉक गार्डन ही है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं गया नहीं हूँ लेकिन मैंने नाम सुना है बहुत इसके बारे में, मैं कभी मौका मिलेगा तो जरूर जाऊँगा। सुखना लेक आपका चंडीगढ़ में पड़ता है। महाराष्ट्र की बात करें, लोनार एक प्रकार की ज्वालामुखी झील है, अभी हम इसके बारे में देखेंगे, एक प्रकार की ज्वालामुखी झील है। ज्वालामुखी झील क्या होती है, ठीक है, जिसे हम क्रेटर झील भी बोलते हैं। पवई झील बहुत सुना होगा इसके बारे में, यहाँ पे लोग ट्रिप पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो महाराष्ट्र में लोनार और पवई झील ये दोनों याद रखना है। केरल की बात करें तो वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील ये दोनों केरल के हैं। कर्नाटक की बात करें तो बेलांदूर झील ये इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की बात करें तो सोंगमा झील कहाँ पे है, सिक्किम में। मणिपुर की बात करें लोकटक झील, ध्यान रखिएगा मणिपुर की इंपॉर्टेंट झील है, क्या, लोकटक झील। नेक्स्ट बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में देखेंगे दो झील आपको याद रखना है, हुसैन सागर एक तो नागार्जुन, हुसैन सागर और नागार्जुन झील कहाँ पे है, तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और पुलिकट झील ये कहाँ पे है आपके आंध्र प्रदेश में। क्या क्या मैंने बोला, कोलेरू झील और पुलिकट झील। पुलिकट झील इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने नाम सुना होगा श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, ये आपका इसी पुलिकट झील पे स्थित है, ठीक है, पुलिकट झील पे स्थित है। आगे चले, तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु यहाँ पे कौन कौन से दो झीलें हैं, कालीवेली और कोडाई कनाल। और हरियाणा की बात करें,
यहाँ पे सूरज कुंड बहुत फेमस है, यहाँ पे सूरज कुंड मेला भी लगता है, यहाँ पे सूरज कुंड मेला भी लगता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस मेला लगता है सूरज कुंड का हरियाणा में। तो हरियाणा में सूरज कुंड झील स्थित है। अब मैंने बोला था पहले हम सारे इंपॉर्टेंट झीलों के बारे में देख लेते हैं जो जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद हम झीलों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैगून झील क्या होता है। अब लैगून झील देख रहा हो, ये आपका उड़ीसा स्टेट है, ये उड़ीसा स्टेट है, ठीक है। उड़ीसा स्टेट में अगर जो हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका उड़ीसा आपको पता है समुद्र के किनारे स्थित है, लेकिन ये समुद्र का पानी, अब आपको पता है समुद्र के किनारे जो राज्य होते हैं या फिर जो जमीन होती है, बाउंड्री होती है, बराबर तो होती नहीं सीधी लाइन में, वो कुछ इस प्रकार से ही तो होती है, कहीं अंदर होती है कहीं बाहर होती है। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अगर जो सेप बन गया, ठीक है, तो ये पानी तो अंदर आ जाएगा समुद्र का, ये पानी जब अंदर आ गया समुद्र का और ये इकट्ठा हो गया, ठीक है, तो वही को हम उसी को हम बोलते हैं लैगून झील। तो ये जो झील आप देख रहे हो ये चिल्का झील है, सबसे बड़ी लैगून झील मानी जाती है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ये आप देख रहे हो समुद्र है, समुद्र का पानी ही इकट्ठा हो गया और यहाँ पे झील का निर्माण हो गया, चिल्का झील, लैगून झील सबसे बड़ी लैगून झील। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस झील का पानी कैसा होगा, अब जाहिर सी बात है समुद्र का पानी खारा होता है तो इस झील का पानी भी खारा होता है। तो आशा है आपके समझ में आ गया होगा लैगून का झील, लैगून झील क्या होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये खूबसूरत झील देख रहे हो, खूबसूरत झील देख रहे हो, इसी को बोलते हैं हम चिल्का झील। ये चिल्का झील की बात करें, भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, ध्यान रखिएगा भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, उड़ीसा राज्य में स्थित है और चिल्का झील एक प्रकार की लैगून झील है, यानी कि समुद्र के पानी जब पृथ्वी, यानी कि जो बात करें हम अंदर आ जाता है, अंदर क्षेत्र में पृथ्वी के आंतरिक, ये क्या बात, जमीन मतलब अंदर आ जाता है, ठीक है, कह सकते हैं जो हमारा स्थल क्षेत्र होता है उसके अंदर आ जाता है और वो एक प्रकार का झील का शेप ले लेता है, उसी को हम लैगून झील बोलते हैं, ठीक है। अब लैगून झील है तो जाहिर सी बात है समुद्र का पानी है तो उसका जल खारा ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह सबसे बड़ी लैगून झील है और भारत की सबसे बड़ी झील भी है, ठीक है। आगे चलें, पुलिकट झील की बात करें, पुलिकट झील भी आप ध्यान रखिएगा एक प्रकार, ये पुलिकट झील कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, लैगून आपका उड़ीसा में है और पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये भी एक प्रकार की आपकी लैगून झील है जो खारे पानी की है, लैगून झील है तो खारे पानी की ही होगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है पुलिकट झील, ठीक है। और एक चीज और मैंने पुलिकट झील के बारे में बताया था, इसी पे आपका श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष द्वीप स्थित है, ठीक है। कभी कभी समुद्री अवसादों के कारण लैगून झील का मुहाना जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। मुहाना मतलब क्या होता है, ये इसकी बात हो रही है, यानी कि जहां से पानी एंटर आता है ये अवरुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो अवरुद्ध हो जाता है, ऐसी स्थिति में लैगून झीलों का सागर से संपर्क नहीं रह जाता। तो सीधी सी बात है जब मुहाना अवरुद्ध हो जाएगा तो सागर से संपर्क नहीं रहेगा। इसी प्रकार से एक और झीलें हैं, गोदावरी एवं कृष्णा नदी का डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, अब नदी जब बहती हुई आ रही है तो बहुत सारे अवसादों को साथ में लेकर आती है और वो जब समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो जो अवसाद होते हैं वो किनारे इकट्ठा हो जाता है, उन्हीं को हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए गोदावरी एवं कृष्णा नदी डेल्टा के बीच स्थित कोलूरू झील, एक प्रकार का आपका कोलूरू झील जो है ये भी चिल्का झील ही है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, लैगून झील है, ठीक है, चिल्का नहीं लैगून झील है। चिल्का मैंने बताया कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और भारत की सबसे बड़ी झील भी है, ठीक है। कोलूरू झील लैगून झील है। अब लैगून झील को हम देख लेते हैं, लैगून झील के बारे में हमने बता दिया, तो उड़ीसा में चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी झील है, एक प्रकार की लैगून झील है। आंध्र प्रदेश में कोलूरू और पुलिकट झील है, ये भी लैगून झील है। केरल में बात करें वेम्बनाड और अष्टमुदी झील है, ये भी आपकी एक प्रकार की लैगून झील है, ठीक। अब हम आते हैं सारी चीजों के बारे में हमने देख लिया, पीडीएफ में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया जो कोलूरू झील है एक प्रकार की लैगून झील है, ये कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित है। तो कोलूरू झील कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच स्थित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखें, पुलिकट झील के बारे में मैंने बताया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमाई तट पर स्थित है पुलिकट झील। और पुलिकट झील का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान स्थापित है, जिसे हम बोलते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। किस पर स्थित है, पुलिकट झील पर ही स्थित है। अब मैंने वेम्बनाड झील के बारे में बताया था, वेम्बनाड झील कहाँ पे है, केरल में। वेम्बनाड झील एक ऐसी झील है जिस झील पर एक द्वीप स्थित है, पूरी का पूरा द्वीप स्थित है, जिसे हम बोलते हैं वेलिंगटन द्वीप।
वेलिंगटन द्वीप किस झील पर स्थित है? तो वेम्बनाड झील पर स्थित है, ठीक है। और इसी जो वेलिंगटन द्वीप है, यहाँ पे वेम्बनाड झील है, इसी पर आप नौकायन प्रतियोगिता देखते होंगे, केरल में होती है नौकायन प्रतियोगिता, इसी आपके वेम्बनाड झील पर ही आपका नौकायन प्रतियोगिता होती है, ठीक। आगे बात करें, केरल की लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। जो लैगून झील होती हैं उन्हें केरल में लैगून नहीं कयाल कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी खारे ताजे पानी की झील उलर झील है। उलर झील मैंने बताया कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछे तो उलर झील है, ठीक है। अब झेलम की बात करें, झेलम नदी बैरीनाग झील से निकलकर श्रीनगर में उलर झील से होकर जाती है। जो झेलम नदी होती है वो बैरीनाग झील से निकलती है, ध्यान रखिएगा। बैरीनाग झील से कौन सी नदी निकलती है, झेलम नदी, इससे निकलकर श्रीनगर में जो उलर झील है वहां से होकर जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब गोखुर झील की बात करें, गोखुर झील का निर्माण हमेशा नदियों के द्वारा किया जाता है। गोखुर झील, ध्यान रखिएगा, गोखुर झील का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है। और जो उलर झील मैंने बात किया यहां पे, उलर झील एक प्रकार का गोखुर झील है, ठीक है। उलर झील गोखुर झील है और ये उलर झील का निर्माण किसकी नदी के द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उलर झील गोखुर झील है, इसका निर्माण झेलम नदी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे चलें। अब यहाँ पे मैंने बोला था आपको, राजस्थान की ज़्यादातर अधिकतर झीलें लवणी हैं, यानी कि खारे पानी की झील है, ये भी ध्यान रखिएगा। और राजस्थान की ज़्यादातर झीलों का निर्माण पवनों द्वारा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलें, यहाँ पे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मैंने बोला आपको लोणार झील और पवई झील। लोणार झील की बात करें, हमने बताया था एक प्रकार का ज्वालामुखी झील है जिसे क्रेटर झील भी बोलते हैं। अब ज्वालामुखी झील क्या होता है, अब यहाँ पे मान लो ज्वालामुखी है, ठीक है, ज्वालामुखी है। अब ये कई प्रकार के ज्वालामुखी, एक तो प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक तो सक्रिय ज्वालामुखी, एक तो बेकार हो जाता है जहाँ से ज्वाला निकलती नहीं, बाद में ये ज्वालामुखी जब खराब हो जाती है तो ये एक प्रकार के झील का आकार ले लेती है, तो इसी को हम ज्वालामुखी झील बोलते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील को हम लोना क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी झील या फिर क्रेटर झील बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो महाराष्ट्र में से जो लोणार झील है एक प्रकार की ज्वालामुखी झील याद रख सकते हो या क्रेटर झील याद रख सकते हो, ये दोनों ध्यान रख सकते हो, ठीक है। आगे चलें, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात करें। देखो पूर्वोत्तर भारत की पूछ रहा है, पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है। मणिपुर राज्य में केवल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केबुल लाम जाओ नामक एक तैरता हुआ पार्क भी, राष्ट्रीय पार्क स्थित है, नेशनल पार्क है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेशनल पार्क है मणिपुर में, केबुल लाम जाओ, ठीक है, नामक तैरता हुआ पार्क। ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में भी मिलेंगी, पीडीएफ इसीलिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, ले लो। आगे चलें, आगे बात कर लेते हैं मानव निर्मित कृत्रिम झीलें जो इंपॉर्टेंट है। अब झीलें मानव निर्मित कहती होती हैं, नदी के पानी को रोककर बना दिया गया, ठीक है, या फिर जमीन को खोदकर उसमें बारिश के पानी को इकट्ठा कर लिया गया, तो वो सारी मानव निर्मित झीलें हो जाती हैं। तो अगर जो हम बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी को पानी को रोककर तीन कृत्रिम झीलें बनाई गई हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर झील जो चंबल नदी के पानी को रोककर बनाया गया है, वहीं राजस्थान में बात करें जवाहर सागर झील और राणा सागर झील, ये तीन जो झील है, गांधी सागर झील, जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील, ये आपके चंबल नदी के पानी को रोककर बनाई गई है। वहां गांधी सागर झील की बात करें यह मध्य प्रदेश में स्थित है, जवाहर सागर झील और राणा सागर प्रताप झील की बात करें यह आपके राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ये पूछा जा सकता है प्रश्न, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर झील है जो सतलज नदी के पानी को रोककर बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, सतलज नदी पर बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। अब तेलंगाना राज्य की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तेलंगाना राज्य में बात करें, इसमें दो कृत्रिम झीलें हैं, दो आर्टिफिशियल झीलें हैं, एक तो निजाम सागर झील की बात करें, एक तो नागार्जुन सागर झील, ठीक है, ये तेलंगाना राज्य में स्थित है, दोनों कृत्रिम झीलें हैं। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी को रोककर बनाया गया, और यहाँ पे निजाम सागर जो है वो मंजीरा या मंजरा नदी को रोककर बनाया गया। मंजीरा नदी की बात करें, ये गोदावरी की एक सहायक नदी है। अब आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में, अगर जो पूछा जाए जो आर्टिफिशियल या फिर कह सकते हैं कृत्रिम झील, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर आप कह सकते हो, ये गोविंद वल्लभ पंत झील जो है वो कृत्रिम झील है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर, उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है वो सोनभद्र से, सोनभद्र जो है, ठीक है, वो आपका छत्तीसगढ़ को टच करती है,
और यहीं पर आपका रिहंद नदी है, ठीक है। इसी रिहंद नदी पर आपका बनाया गया है गोविंद वल्लभ पंत कृत्रिम झील, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर गोविंद वल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील है। गोविंद वल्लभ पंत कृत्रिम झील रिहंद नदी के पानी को रोककर बनाई गई है। अब रिहंद नदी की बात करें, सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है, जो छत्तीसगढ़, यहाँ पे बात करें रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है जो छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक पठार से निकल कर गंगा में मिल जाती है। तो सोन नदी की बात हो रही है, ये तो छोड़िए, तो नदी का टॉपिक हो गया, हम बात कर लेते हैं झील का। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर का झील का जो भाग, अब ये गोविंद वल्लभ पंत सागर मैंने बोला उत्तर प्रदेश में भी है, तो कुछ भाग यूपी में है, यूपी के सोनभद्र जिले में, ठीक है। जो भाग उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये थे आपके झील से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको मैंने कराया। सारे जो भी पॉइंट थे सारे इंपॉर्टेंट थे, एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं लिया जो फालतू है, जो आपके एग्जाम के लायक ना हो। और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो अच्छे से लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।